हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ हाउ टू मेक अ इनफिनाइट और अनलिमिटेड गोल्ड फार्म विथ एक्सपी फार्म, जो कि बहुत अच्छा होगा। तो पहले आपको 21 ब्लॉक्स आगे जाने हैं, वन विथ ऑब्सीडियन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। अभी 21 हो गया, तो मैं आसपास की जगह को कवर कर लेता हूँ यहाँ कुछ इस तरह से, वरना जो हमारे यहाँ स्पॉनिंग रेट है बिल्कुल आयरन फार्म की तरह काम करता है, जैसे आयरन फार्म काम करता है। और ये मैं बता दूँ, ये MC MCPE जावा सब में काम करेगा आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं थोड़ा मैंने कवर कर लिया इतने एरिया को, ताकि हमारे जॉम्बी फाइट पिगले जब स्पॉन होंगे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब यहाँ से मुझे गिनना है वापस से, और ये है 21 ब्लॉक्स। तो फिर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। अब हमको दूसरी साइड भी ऐसा ही करना है, 21 ब्लॉक्स आप ले जाने। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21। अभी हो गया है, अब हम बीच वाले ब्लॉक्स भी काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 21, ओ शायद आई थिंक एक ब्लॉक का गैप हो गया है, एक ब्लॉक का मैंने लगा दिया। मैं वापस से तोड़ देता हूँ, आपको एक एक चीज़ का ध्यान रखना है, वरना आप इससे सर्वाइवल में तो इतना वापस से तोड़ना बहुत आपको भारी पड़ जाएगा। तो इसीलिए बोलता हूँ इस चीज़ का ध्यान रखना, ताकि आपसे गलती ना हो। मेरे से तो हो गई, मैं तो क्रिएटिव में हूँ, तुरंत ही तोड़ दूँगा वापस से। और फिर कुछ इस तरह से, अब हम इसको एक्टिवेट करके देख लेंगे, अगर ये सही से वर्क कर रहा होगा तो एक्टिवेट हो जाएगा तुरंत ही। और एक्टिवेट होते ही एक पिगलिन स्पॉन हो जाएगा यहाँ। तो चलिए हम एक्टिवेट करते हैं, एक तो है ही पहले से। हाँ देखिए, तब मैं जब जब इसको तोड़ के एक्टिवेट करूँगा तब यहाँ एक पिगलिन स्पॉन हो जाना चाहिए, एक तो है। फिर मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा, हाँ देखिए वो वापस निधर में चला गया। अब पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, बस हाँ अब हो रहा है, देखिए। तो बस अब हमारा काम हो गया, अब हम इसे तोड़ लेते हैं। हमको क्या करना है, 3 ब्लॉक्स यहाँ से लेने। पहले मैं डे कर लूँ नाइट, अरे वापस होने लगी। तो यहाँ से हमें 3 ब्लॉक्स आगे जाना है, 2, 3। अब हमको कुछ डिस्पेंसर्स ऐसे रखने हैं जिसका एरो इस तरफ हो, और नहीं ये गलत हो गया, इस तरफ हो एरो, अभी भी गलत है, अप साइड नहीं। इस तरफ होना चाहिए इसका एरो, और फिर दूसरे वाले कुछ इस तरफ ऐसे। और फिर हम इसको पीछे से यहाँ हम एक वो लगा देंगे ऑब्जर्वर कुछ इस तरह से, इसका फेस आगे की तरफ रहना चाहिए। और फिर हमको इसको पूरे को कवर कर लेना है, टू ब्लॉक्स तक ही लेना है। मैं थर्ड वाले को तोड़ देता हूँ, और फिर हमको यहाँ ट्रैप डोर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। आपको देखना है इसकी रेड ब्लॉक बटन जो है वो टिक होनी चाहिए बार बार।
और यहाँ, और फिर यहाँ ऐसे कर देना है, और इसके अंदर आपको एक वाटर बकेट डाल देनी है कुछ इस तरह से। और अभी ये वर्क नहीं कर रहा, देखिए अब ये वर्क कर रहा है बार बार, मतलब हमारा सक्सेसफुली चल रहा है। और अब हम ये एक वाले ब्लॉक लेयर पर यहाँ ऐसे कुछ लगा देंगे। और हमने गलत थोड़ा बना लिया, ये जो है ये मुझे इधर बनाना था अपोजिट साइड, तो मैं इसे तोड़ लेता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने इस तरफ भी बना लिया है, अभी हमारा उस तरफ था, मैंने इस तरफ बना लिया। मैं यह पूरा आप सबके सामने लाइव करके दिखा रहा हूँ ताकि जो गलती मेरे से हो ऐसा ही आपसे ना हो। देखिए तो ये वर्क करने लगा, इसमें से आवाज़ आने लगी। अब हम यहाँ कुछ ट्रैप डोर्स लगा देंगे कुछ इस तरह से। अब फिर हम ये ऑब्जर्वर के ऊपर लावा डाल देंगे, हम अपनी लावा बकेट को ले लेते हैं। देखिए तो ये एक्टिवेट हो गया, और अब हम जो हमारा वो होगा, देखिए मैं इसको जैसे तोड़ूंगा ये ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वापस यहाँ ऑक्सीजन लगा देंगे। अब हमने देख लिया कि ये वर्क कर रहा है, अब हम इसको तोड़ देंगे यहाँ से। और अब ये एक ब्लॉक यहाँ से डीप हम वो करेंगे, ये देखिए कुछ इस तरह से। देखिए ये गड्ढा हो गया, और फिर तो मैंने अब पूरा सामान ले लिया है। अब फिर फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ वो डाल देंगे वाटर। वाटर तो सिर्फ 7 ब्लॉक तक ही रहता है, तो मैं इसीलिए पहले ये यहाँ का भी तोड़ दूँगा, और फिर ये वाला एक ब्लॉक तोड़ेंगे तो वाटर वापस से आ जाएगा। और फिर आपको कुछ इसी तरह से करना है यहाँ तक, आप यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, और ये वाला भी तोड़ देंगे, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। और फिर आप सेंचुरी ब्लॉक लगा देता हूँ, जितना आप जितना जाए नीचे जा सकते हैं। मैं तकरीबन इतने ब्लॉक नीचे जाऊँगा, और फिर यहाँ छोटा सा अपना चैम्बर बना लूँगा। यहाँ से बाहर एक जगह आगे निकलना है कुछ इस तरह से। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो जगह है, हम यहाँ पहले अपना वो रखेंगे चेस्ट, डबल चेस्ट। और नहीं ये थोड़ा गलत हो गया, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा साइड में यहाँ चेस्ट रखना है, फिर क्राउच होके यहाँ एक हॉपर लगा देना है, और फिर हमें अब स्लैब का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि स्लैब के लिए जगह कम होगी तो यहाँ नहीं आ पाएंगे। वैसे भी 1 ब्लॉक का गैप है, वो लोग यहाँ नहीं आ पाएंगे, तो चलेगा। बस ये अब हमारा सिस्टम तैयार हो गया है, आपको यहाँ से अनलिमिटेड एक्सपी भी मिलेगी। अब हम चालू करने जा रहे हैं अपने फार्म को। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ब्लॉक हटा देते हैं, और मैं आप चाहें तो 21 ब्लॉक डीप खोज सकते हैं ताकि जोम्बी फाइट पिगलिन उनकी वो गिरने से ही मर जाएं और आपको ओनली गोल्ड मिले, अगर आप एक्सपी ना लेना नहीं लेना चाहते तो, वरना नॉर्मली आप ले सकते हैं। अब मैं वो ढूंढ रहा हूँ साइन बोर्ड ताकि हमारा जो वाटर है वो यहाँ से आगे ना जाए। बार बार रात हो जा रही है, तो आप देख ही सकते हैं 20 मिनट की रात हो रही है, मैं 40 मिनट से वीडियो बना रहा हूँ तब जाके भी पूरी। अब हम देखेंगे कि गिर रहे हैं कि नहीं गिर रहे हैं। हाँ हम गिर जा रहे हैं, तब यहाँ गिर गए। अब फिर हमको यहाँ देखना है, तो ये पूरा सिस्टम हमारा तैयार हो गया, पानी भी नीचे नहीं जा रहा, और अब हम वहाँ से
से वापस हम पोर्टल को एक्टिवेट कर सकते हैं। और पहले हम ये भी लगा सकते हैं ग्लास, वैसे भी ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन सब भाग तो नहीं सकते, लेकिन इससे आपके उसका लुक बहुत अच्छा आएगा। तो मैं थोड़े लाइट ऐसे ग्रे कलर का स्टेंड ग्लास का यूज़ कर रहा हूँ ताकि और अच्छा दिखे। ये वाला तोड़ दी, ये वाला एक्स्ट्रा लग चुका है। कुछ इस तरह से देखिए तो एक और अच्छा लग रहा है। अब मैं जैसे ही लावा डाल दूंगा, लावा बनला से पहले इसके अंदर मुझे वाटर डालना होगा कुछ इस तरह से, ताकि ये बार बार यूज़ करे। अब मुझे ऊपर से यहाँ लावा डाल देना होगा। हाँ तो पोर्टल ऑन ऑफ होने लगा। बस तो हमारे अब देखिए दो दो तीन तीन एक साथ स्पॉन हो गए। तो अब मैं आपको नीचे चल के दिखा देता हूँ, देखिए कुछ ऐसा। तब मैं ले लेता हूँ एक डायमंड स्वॉर्ड या नेदराइट कोई भी, और मैं सर्वाइवल में से आ जाता हूँ, अरे क्रिएटिव में से आ जाता हूँ सर्वाइवल में। नहीं मैं क्रिएटिव में ही रहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ स्लैब लगाना तो भूल ही गया, ये छोटे बच्चे आ जाएंगे अब ना, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ जल्दी से स्लैब। मैं ये चीज़ भूल ही गया था, तो आप ये मिस्टेक मत करना। तो मैं ले लेता हूँ इसे जल्दी से, तो अब स्लैब लग चुके हैं, वो बच्चे भी नहीं आएंगे। और अब हम अपने ये कैसे आ जाएंगे, अभी ऑटोमेटिक भी मरते रहेंगे। अगर आप नहीं मारोगे तो भी, आप चले जाओगे तो भी ये ऑटोमेटिक मरते रहेंगे, क्योंकि तो जैसे ही बहुत ज़्यादा हो जाएंगे मर जाएंगे सब। तब मैं शुरुआत कर रहा हूँ, देखो मैं क्रिएटिव में नहीं हूँ सर। मुझे किड ने मार दिया, यकीन नहीं होता। तो आप सबने तो देख ही लिया, फार्म पूरी तरह से वर्क कर रहा था। और आप एक और स्लैब लगा सकते हैं ताकि वो स्पॉन ना हो। और अभी मैं जा रहा हूँ अपने फार्म के पास वापस, देखने की मैं कहाँ था। ओके देखो दोस्तों, तो मुझे वापस से मिल चुका है ये। मैंने अच्छा वीडियो बनाई थी तो मैंने कॉल कर लिया था। देख सकते हैं आप कितने ज़्यादा पिगलिन स्पॉन हो गए हैं। तो हम अंदर जाएंगे, चेक करेंगे। तो ये ऑटोमेटिक मर जाएंगे गिर के। और अगर आप इसे और इंफिनाइट तरीके से बनाना चाहते हैं तो आपको इसको आगे देखो इतनी ज़्यादा स्वॉर्ड विंगट मिल जाएंगे आपको कि आप फिर, और गोल्ड इतना हो जाएगा आपके पास, प्लस रॉटन फ्लैश जिससे आप ट्रेड करके अनलिमिटेड एमरल्ड भी कर सकते हो। देखो तो अब आप लोग समझ ही जाएंगे मैं क्या करने वाला हूँ। मैं एक ऐसा इतना बड़ा पोर्टल यहाँ भी बनाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। और देखिए दोस्तों, अगर आपको बहुत ज़्यादा अमीरी आ रही हो तो आप ये सब दोनों तरह से कर सकते हैं, लेकिन फिर याद रखना इस तरफ जो वाला जो है वो। तो देखिए दोस्तों कितनी तेज़ी से ये पिगलिन स्पॉन हो रहे हैं, कोई यानी लिमिट ही नहीं है। और आप देखो, देख सकते हैं, मैं नीचे जाके नीचे चल के दिखा देता हूँ। अभी इनको चालू करे कुछ मिनट ही हुए हैं शायद।
आई थिंक मैंने कुछ ज़्यादा ही नीचे खोज कर दिए, इसलिए मेरे को स्वॉर्ड्स नहीं मिल रही, लेकिन आप ऊपर करना ताकि आपको स्वॉर्ड्स भी मिले थोड़ी सी। आप 21 ब्लॉक की हाइट पर करना, मैंने ज़्यादा ब्लॉक की हाइट पर कर दिया, सिर्फ जॉर्डन फ्लैट्स और डेंजर की मिल रहे हैं। लेकिन अगर ये कुछ घंटों चालू रह गया तो शायद मेरे पास बहुत इंगट हो जाएंगे, मिलियंस ऑफ इंगट हो जाएंगे आई थिंक, क्योंकि इसकी स्पीड आप देख सकते हो। यहाँ यहाँ एक ब्लॉक लगा देना, सॉरी ब्लॉक, ताकि कोई और जानवर ना जा पाए। चलिए तब मिलते हैं अगली वीडियो में।